हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी बात लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हाल ही में पेपर चले हुए हैं आरपीएफ के, फ्रेंड्स उससे रिलेटेड एक न्यूज़ और आ गई है फ्रेंड्स हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, आरपीएफ की ट्रेडमैन की फ्रेंड्स कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं अभी हाल ही में। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आरपीएफ की नई वैकेंसीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स जबकि ऑनलाइन फॉर्म है, एक तारीख से फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो आप देख रहे हैं डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स जबकि इसकी लास्ट डेट मतलब है 30 तारीख की, मतलब इसको आपको पूरा फिलअप करने के लिए 1 महीना आपको मिलेगा इस फॉर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड, नीचे हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स आपको इसमें टोटल वैकेंसी मिली है 798 वैकेंसी, मतलब फ्रेंड्स 2 वैकेंसी गार्ड, 800 वैकेंसी इसमें आपको टोटल मिली है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जून वाइज आपको वैकेंसी दी मिली है इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जून वाइज आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिली है, मतलब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे SWRC में कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप इसको फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा आपको किस जून में आप पढ़ते हो और किस जून में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आरपीएस सब के लिए फ्रेंड्स अलग से इसमें वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, इसमें आपकी पोस्ट है वाटर कैरियर, कॉन्स्टेबल सफाई वाला, कॉन्स्टेबल वाशरमैन, कॉन्स्टेबल बार्बर, कॉन्स्टेबल माली। फ्रेंड्स अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो आपका इसमें वो भी चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक है, आरपीएफ की जो वैकेंसी हाल ही में आई है अभी ट्रेडमैन की। और फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे SC ST कैंडिडेट 5 ईयर। फ्रेंड्स एज रिलेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, SC ST को आपको 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 ईयर्स की। ठीक है, जो फ्रेंड्स एक्स सर्विस मैन है उनको 3 और 6 और 8 ईयर की छूट मिलेगी इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको, जो जनरल से हैं उनको 5 साल की, और जो OBC को 8 साल की, और SC ST को 10 साल की इसमें छूट मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द कंडीशन बिलो SI नंबर 1। फ्रेंड्स जो भी मतलब कि जनरल OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें फीस रखी गई है 500 रुपये पूरे। ठीक है, और जो फ्रेंड्स SC ST से जो एक सर्विसमैन फीमेल हैं उनके लिए फ्रेंड्स 250 रुपये इसमें फीस मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम प्रोसेसर है फ्रेंड्स, RRB डी ग्रुप में आप जो फॉर्म फिलअप किया था जिसकी फीस इतनी थी फ्रेंड्स। ठीक है, सेम प्रोसेसर है वैसा ही इसमें भी। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी एज है फ्रेंड्स, कम से कम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 से ऊपर अगर आप मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम 25 ईयर, 25 ईयर से अगर आपकी ऊपर एज है फ्रेंड्स तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी एज 18 से नीचे तब भी नहीं आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 18 और 25 की आपकी एज के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा आपको एज रिलेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स जिसमें आप OBC ST से मतलब आप अगर साइड आपकी जो कास्ट है OBC है जनरल है तो आपकी मेल की जो इसमें हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फ्रेंड्स आपकी चेस्ट है इसमें 80 से 85 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 80 बिना फुलाए 85 फुला के। ठीक है, जो फ्रेंड्स SC ST से हैं उनकी जो इसमें हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेस्ट इन सेंटीमीटर, जो भी SC ST से उनकी जो इसमें मांगी गई है चेस्ट 76.2 से लेके 81.2 होनी चाहिए। और जो फ्रेंड्स मेरे फोर गढ़वाली, गुर्गस, मराठा, डोगरस मतलब जो भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें मांगी गई है हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, 155 होनी चाहिए फेमेल के लिए, और जिसमें आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80-85 वो नॉर्मली मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इसके रेस के बारे में। कॉन्स्टेबल के लिए फ्रेंड्स आपकी इसमें रेस होगी 3 मिनट में आपको 40 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर रेस क्लियर करने के लिए। आपका लॉन्ग जंप इसमें 9 फीट का हो जाएगा, हाई जंप आपका 3 फीट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबा जो आपकी लंबी कूद बोलते हैं उसको 9 फीट की, और जो हाई जंप जो ऊंची कूद बोलते हैं 3 फीट की आपकी इसमें ऊंची कूद होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही है फ्रेंड्स में देखा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये लिंक में जो अभी हाल ही में आया है। ठीक है, आपको न्यूज में सबसे पहले दे रहा हूँ इसके बारे में, भर्ती के बारे में। और तो फ्रेंड्स में कुछ देखने को लिए है नहीं। ठीक है, मतलब कुछ जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में आप देख लीजिएगा कि आपका कौन से जून में पड़ता है कौन से जून में नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप आराम से तैयारी कीजिएगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आप टोटल क्वेश्चन आप आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को लिए है नहीं, और फ्रेंड्स फिजिकल के बारे में आपको बता दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड मुझे कोई न्यूज़ चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हैं।